बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश नगर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाँ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह 5 बजे से लेकर अब तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और टिका के बारिश जो है ये हुई है और अब बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, तो मैंने कहा आपको भी इससे जो है वो दिखाया जाए कि आपको कितनी बारिश हुई है। ये देखिए किस कदर बारिश जो है। कोई किताब जी दें, कोई गत्ता जी दें, क्लिपबोर्ड दें, क्लिपबोर्ड दें, तो ना कुछ। ये देखें किस कदर जो है बादल वो गरज रहे हैं। ऊपर भी माहौल जो ऐसे ही है, अभी बादल हैं पर नाले जो हैं वो पानी छन छन कर नीचे आ रहा है। किस कदर बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी। मैं आपको बाहर का भी मंज़र दिखाता हूँ और किस कदर जो है वो बारिश। भाई परवेज की हाल बेहतरीन। 2 घंटे होगी बारिश है ना, 2 घंटे हुई मेरे ख्याल बारिश। ऐ जेड़ा सामने बंदा खड़ा है बिल्कुल इश्तिहारी बंदा है। आहो, और भाजी आओ नाश्ता कराइए। ये अपना चैनल है छोटा जा। नहीं बारिश पैंदी जी, मैं उठे ही होना, उठे ही होना। मारे बंद करी गल। बारिश के बाद पौधों का रंग जो है वो कितना खूबसूरत और खिला खिला नज़र आता है। और ये देखें कि किस तरीके से जो है वो बारिश जो है, ये जो कल हमने बनाए थे इनके क्यारियाँ, आज वो पानी से लबालब भरी हुई हैं। कदर बारिश हुई है कि खेतों के अंदर पानी वैसे ही जो है वो भरा हुआ है। हर तरफ से खेत जो है वो पानी का मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इस तरीके से जो है ये हर तरफ पानी ही पानी खड़ा है। अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। किसी शायर ने खूब कहा है कि क्या क्यों हमसे खफा हो गए है जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मज़ा क्यों नहीं लेते। ये देखिए अभी भी बारिश जो है वो बारिश के कतरे टिप टिप कर रहे हैं। अब जरा आसमान थोड़ा सा खुलने लगा। और ये पानी की बूंदें पौधों के ऊपर, पानी की बूंदें देखें, पानी की बूंदों का ज़रा मुआवजा करें। पानी की बूंदें कैसे हैं वो कतरे बनकर जो है वो पत्तों के साथ जो है नीचे, ये देखें ये पानी की बूंदें कितना प्यारा मंजर पेश कर रही हैं।
इसके साथ देखें, बारिश दोबारा से जो है वो हल्का हल्का सा जोर पकड़ रही है और मैं मोबाइल के ऊपर क्लिप बोर्ड करके जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्दुल हादी उठ गया? अब्दुल हादी, अब्दुल हादी उठ गया मेरा बेटा? हाँ जी बाबा, बाबा क्या कह रहा है मेरा बेटा? बाबा बाबा क्या? हाँ जी आपको ले लूँ, आ जाओ आओ मेरे पास आ जाओ। गिलो का एक खूबसूरत मंजर और दूर से कोयल के बोलने की आवाज, दिखाता हुआ नीमो के पौधे को जो है ये फूल आए हुए हैं और अब कुछ दिन के अंदर अंदर इसको जो है वो नीमो लगेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह खूबसूरत लग रही हैं ये कलियों का पौधा। देखें किस कदर खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। खासी बारिश हुई है यहाँ पर और हर तरफ जो है वो ये देखें पानी किस कदर जो है ये खड़ा हो गया। वो छोटी सी बच्ची जो है वो पानी में बैठी खेल रही है। कदर पानी गया कि जो ये खाला है ये तकरीबन आधे से ज़्यादा थोड़ा सा भरा हुआ है और ये जा रहा है। बारिश के बाद मंज़र जो है वो बड़ा उजला उजला होता है और हर चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर और वाज़ह और शोख लग रही होती है और आजकल तो इस सावन के अंदर तो बारिशें हो भी बहुत ज़्यादा रही हैं।
ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो है, ये उस साइड का मंज़र जो है, ये दूसरी गली से घूम कर आया हूँ मैं। तो ये कच्ची ईंटें पड़ी हुई हैं और ये क्रिकेट ग्राउंड का मैं मंज़र आपको दिखाऊंगा। क्रिकेट ग्राउंड जो है बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। बारिश इस कदर हुई है कि ये पूरी गली का पानी जो है यहाँ से आके ये क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जा रहा है। और ये एक छोटा सा हमारा ग्राउंड है जहाँ पे शाम को बच्चे खेलते हैं। परिंदे बीच में बैठ कर लुत्फ उठा रहे हैं। ये बगले बीच में बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा ही सुहाना और खूबसूरत सा मंजर है। ये देखें आसमान का जो है वो कैसे एक शफक जो है वो इस कदर खूबसूरत मंजर है ये। और ये एक नेचुरल माहौल के अंदर जो है वो जिंदगी को बसर करना बड़ा ही खूबसूरत बारिश हुई भी खासी ज्यादा बारिश हुई है। और जिन दिनों में बारिश होती है और फिर मुझे कॉलेज जाना होता है तो तब तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। और बारिश के अंदर सफ़र करना 18 किलोमीटर तकरीबन जो है वो बारिश के अंदर मुझे मोटरसाइकिल पे सफ़र करना पड़ता है। तो वो जब बारिश में मुझे जाना होता है तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आंधी तूफ़ान बारिश, लेकिन नौकरी के लिए जाना पड़ता है। वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है और वो करना पड़ता है सब कुछ। तो इस मौसम में तो बंदे को बचपन के दिन या शायरी बहुत अच्छी लगती है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज़ कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। और ये देखिए ये किस तरीके से ये थाला है, एक ये पानी लग रहा है यहाँ पे पानी जो है, ये भी गालबन ये हफ्ते का दिन है तो पानी तो होगा क्योंकि जुमा हफ्ता और इतवार पानी आता है। और वो ये एक नज़ारा है बारिश के हवाले से। बारिश दोबारा हल्की हल्की होना शुरू हुई है और ये कव्वे जो है ऊपर पेश कर रहे हैं, कव्वे भी अपनी चहचहाहट का। कॉलेज के दौर में तो ऐसे होता था जब हम पढ़ते थे तो इस कदर शायरी और पोइट्री से लगाव होता था कि हर वक्त जो है हर बात पे जो है बात पे बात जो है वो शायरी जो है वो हम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ौक होना चाहिए बंदे को, अदब से लगाओ एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है।
बड़ी खूबसूरत गज़लें आया करती थी मुझे, दोस्त मुझसे सुना करते थे, मैं खुद भी लिखता था। कभी शायर नहीं कहलाया अपने आप को, ना ही कोई मैंने इसके लिए स्पेशल वो कोई इसको सीखना चाहा कभी, लेकिन कभी दिल में आया तो लिखा ज़रूर है। और कभी इसलिए नहीं लिखा कि किसी को सुनाऊं या किसी को बताऊं, लेकिन कलाम तो बहुत लिखे मैंने, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी किसी से दाद लेने की। आज के दौर में बस ऐसे ही है, हर बंदा जो है 30 मार खान है। ये एक बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है पौधों का मेरे बैक साइड पे, और ये देखें किस कदर खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। पीछे अमरूद का पौधा है और किस कदर सब्ज़ दिखाई दे रहा है। ये आम का पौधा है, और पहले भी मैं वो उस आम के पेड़ के नीचे से गुजर कर आया हूँ, और बारिश अब फिर तेज़ होना शुरू हो गई है, तो क्लिप बोर्ड को मैं जो है वो इसके ऊपर कर देता हूँ। इंसान को, इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो इंसान की जो बचपन की यादें हैं वो इंसान कभी नहीं भुलाता। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब बचपन के अंदर बारिश होती थी तो हम अक्सर जो होते थे शॉपिंग बैग जो है वो सरों पे चढ़ा कर, और हमने खेलना और हाइड एंड सीक, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई और ऐसे जो है वो खेलनी, तो एक बड़ा ही दिलफरेब मंज़र हुआ करता था। ये देखें इस तरफ मेरे जो है ये, और इस तरफ ये खेत हैं। तो हर एक बंदे को अपने बचपन के दिन ज़रूर याद आते होंगे, और आज गालबन मुझे काफ़ी याद आ रहे हैं कि एक अच्छा वक्त हुआ करता था। मैंने कहा चलो बारिश के अंदर जो है वो आपको थोड़ी सी सैर भी करवाई जाए, और खेतों के हवाले से दिखाया भी जाए कि किस कदर खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं खेत। और ये एक वाकई रैली खूबसूरत मंज़र है। कोई ना कोई वाकया मैं अब आपको सुनाया करूँगा, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंसान को, और अच्छे अच्छे वाकयात जो होते हैं वो इंसान उनसे बहुत कुछ सीखता है। दर हकीकत मेरा ख़्याल है कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, और इसके साथ साथ व्लॉगिंग के साथ साथ अगर हम कुछ ना कुछ इसमें भी कोई अच्छा सा वाकया कोई सुना दें जिससे अखलाकियात के हवाले से जो है वो हमें दर्स मिले, किसी को सुन के जो है वो अच्छा लगे, तो व्लॉग तो साथ साथ बन रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा होगा कि कोई थोड़ा सा ये आवाज़ सुनिए। दूर से रेलगाड़ी गुजरने की आवाज़ आ रही है, और मैं नज़र भी आ रही है मुझे रेलगाड़ी गुजर गई, तो हाफिज़ की हाल है तेरा, की हो रहा सवेरे सवेरे, की हो रहा जी? अच्छा पानी ज़्यादा पै जाए तो नुकसान दे है ना, ते की हालात हो वा क्या फसल दे? अच्छा चलो ना को ना को बारिशा नाल, ते फिर इस बारी बारिश हो ही बहुत रही है। तारक भी आगे फेर रहा मेरे ख्याल है ना, बस सीधे जाना होर जी भाजी। ये देखो ये बैक साइड से ये मेरे घर का मंजर जो है, ये मैं घूम कर बैक साइड पे आया हूँ अपने घर के, ताकि आपको जो है ये मंजर भी दिखाया जाए। और अब यहाँ से घूम कर मैं घर चला जाऊँगा। और ये देखे पानी किस कदर खड़ा हुआ है, बारिश इस खेत से पता चल रहा है कि बारिश हुई कितनी है।
और ये देखें इस कदर बारिश हुई है कि ये देखें ये फिर ये खाला जो है ये फुल बटा फुल जो है ये भरा हुआ है। और मेरा भी ख्याल यही है कि मुझे यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए, आगे जो है वो गुजरने वाले हालात दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर हिम्मत की जाए तो गुजरा जा सकता है, तो कोशिश करके देखते हैं। ये लें, ये जंप लिया मैंने, तो एक खासा देखते हैं कैसे हालात है। हालात ठीक ही दिखाई दे रहे हैं और कोई बैठने वाली जगह नहीं है कि बैठ जाए और बंदे के पांव ढांस रहे हों, ऐसा नहीं है। ये मेरे घर की बैक साइड, ये एक मंजर है घर के पिछवाड़े से जो गली निकल रही है। तो ये बड़ा दिल फरेब सा मंजर होता है गांव के अंदर रहना और फिर एंजॉय करना। अब बारिश दोबारा शुरू हो गई है, आप देख रहे होंगे कि मेरे कपड़े सारे जो है भीग गए हैं। तो अब देखें मैं घर भी आ गया हूँ, इसके साथ ही मैं जो है इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। फिर बारिश तेज़ हो रही है, तो अब्दुल हादी आओ, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अब्दुल हादी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।